हाय एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यु आई एस माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड टू द पॉइंट अभिमन्यु आई एस इज अ प्लेटफॉर्म विच प्रिपेयर यू फॉर योर यू पी एस सी एंड वेरियस पी सी एस एग्जामिनेशन इट हैज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड रिजल्ट हैज मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड वर्किंग सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन टू द पॉइंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक को उठाते हैं करंट अफेयर्स के एंड उसको हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इस सीरीज के अंदर कवर करते हैं सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल है ना वो देन दिस वीडियो विल पॉप अप इन योर फीड एंड विल हेल्प यू विद योर प्रेपरेशन एंड वंस अ टॉपिक इज डन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज यू कैन कंसिडर इट डन एंड ये सीरीज इज पर्टिकुलरली फॉर प्रीलिम्स एंड देर इज दिस कोर्स विच इज गोइंग ऑन इट इज टेकन बाय मी ओनली इट इज़ करंट अफेयर्स कोर्स एंड इट इज फॉर बोथ प्री एंड मीन्स यहाँ पे ये थोड़ी डिस्कशन बेस्ड क्लास रहती है थोड़ा डिटेल में चलता है एंड करंट अफेयर्स को होलिस्टिकली कवर कर देते हैं बिकॉज ओवरऑल जो एग्जाम है वो आपका करंट बेस्ड ही आता है तो so, टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है और क्लास में हम यही सब करते हैं यू गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल एज वेल लिंक इज डाउन देयर एंड दिस कोर्स गोज बोथ इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन फॉर्मेट अभी हम चलते हैं अपनी आज के टॉपिक की तरफ विच इज भरोसा केंद्र बेसिकली जो रायथू वर्ड है इट कम्स फ्रॉम रोथ ये आपने सुना होगा विच लिटरली जिसकी ट्रांसलेशन है वो है फार्मर तो ये दिस इज फार्मर भरोसा केंद्र कॉन्टेक्स्ट इसका यह कि एक इथियोपियन डेलीगेशन थी वो कंट्री में आई थी और हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उनको आंध्र प्रदेश लेके गए थे इन रायथू भरोसा केंद्र के, के स्टडी के लिए तो इससे हमें क्या क्लियर होता है कि ये जो स्कीम है जो केंद्र है ये कहां पे काम कर रहे हैं दैट इज इन आंध्र प्रदेश तो एक सवाल तो आपका डायरेक्टली यहां से आएगा आ सकता है कि कहां पे है ये और थोड़ा घुमाया जा सकता है कि किधर है किधर नहीं है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है बट वी हैव टू रिमेंबर कि ये कहां की स्कीम है किसानों के ऊपर कोई भी स्कीम आती है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है एंड जब आप लोग सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो यू हैव टू मैनेज देम स्कीम के बारे में केंद्र के बारे में देखते हैं यूनिक सीड्स टू सेल सिंगल विंडो सर्विस सेंटर्स फॉर फार्मर्स दैट द स्टेट स्टेट कौन सी आंध्रप्रदेश राइट नेक्स्ट इज दे आर वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल फार्मर्स नीड्स एंड ग्रीवियंसिस ठीक है कैसे ग्रीवियंसिस और कैसी सर्विसेज फॉर इंस्टेंस आरबीके सेल प्री टेस्टेड क्वालिटी सीड्स सर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स एंड एनिमल फीड देखिए सेलिंग पॉइंट का आ गया कि यहां पे इट इज अ प्लेस जहां पे ये सब चीजें अवेलेबल होती है और क्योंकि ग्रेवियंस लिखा है तो इसका मतलब और भी चीजें होंगी और क्या है इसमें फार्मर्स कैन परचेज और हायर फार्म इक्विपमेंट्स एंड इवन सेल देयर प्रोड्यूस एट दिवेलिंग एम एस इन दरबी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आप सोचोगे कि यार प्रोक्योरमेंट तो कहीं और होती है एफसीआई के और ये सब है ना बट यहां पे इन केंद्रों के थ्रू भी आप एमएसपी के ऊपर जो फार्मर है वो यहां पे जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकता है आरबीके प्रोवाइड सर्विसेज लाइक सॉइल टेस्टिंग मेक रिकमेंडेशन है ना रिकमेंडेशन किस चीज के ऊपर ऑन विच क्रॉप टू सो द क्वांटिटी एंड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर टू बी यूज तो मतलब अगेन जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी वन स्टॉप सोल्यूशन जब हम इसके बारे में और पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि ओके वन स्टॉप सोल्यूशन क्या चीज है है ना तो इन केस यू आर राइटिंग एन आंसर हालांकि ये प्रीलिम्स का पार्ट नहीं है ये हम क्लास में डिस्कस करते हैं इन केस यू आर राइटिंग एन आंसर तो आपको वन स्टॉप सोल्यूशन देना है तो वट ऑल यू हैव टू इंक्लूड आपको यहां से सीखने को मिलता है कि इस स्कीम के अंदर अगर वन स्टॉप सोल्यूशन बोल रहे हैं तो क्या क्या डाला है तो अगर हम किसी चीज का सोल्यूशन दे रहे हैं तो हमें क्या क्या डालना चाहिए कि किस तरीके से किसी चीज को वन स्टॉप सोल्यूशन बनाया जा सकता है और बोला जा सकता है द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो पेज क्रॉप इंश्योरेंस प्रोक्योर्स ग्रेन्स एंड मेक पेमेंट्स टू फार्मर्स थ्रू आरबीकेज ठीक है अभी क्या फैसिलिटेट कर रहा है बेसिकली अब ये थोड़ा सा आ, और वे में इसको समझाने के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं आरबीकेज फैसिलिटेट नंबर वन इंटरेक्शन बिटवीन हुम बिटवीन फार्मर्स एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स राइट एट विलेज लेवल बातचीत से कि यार आपको हम नॉलेज ट्रांसफर आपको एक्सेस दे रहे हैं इंफॉर्मेशन का तो ये उसको यहाँ पे बता रहा है डेमोन्स्ट्रेट न्यू फार्म इक्विपमेंट ठीक है जी एलिमिनेशन ऑफ पूरी सी स्ट्रीट्स एंड अनसर्टिफाइड एंड डेंजरस फर्टिलाइजर्स देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसके और किसी अर्बन एरिया में जनरली हम लोगों को इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है इस टाइप की चीजों से हम लोग थोड़ा परे रहते हैं बट मार्केट के अंदर जब आप जाते हो तो आपको इस टाइप की चीजें बहुत ईजिली अवेलेबल है तो यू नीड अ प्लेस गवर्नमेंट के थ्रू जहाँ पे आपको एक्चुअल में टेस्टेड सीड्स और राइट फर्टिलाइजर मिले अदरवाइज फिर बाहर में वो मार्केट आ जाती है और मार्केट के अंदर गवर्नमेंट का जो है मोटिव रहता है कि वेलफेयर भी रहे लेकिन मार्केट का मोटिव है प्रॉफिट तो वहाँ पे एक मिसमैच रहता है और आपका जो भुगतान है वो फार्मर और अल्टीमेटली आप और मेरे जैसे लोग जो वो प्रोड्यूस को जो है कंज्यूम कर रहे हैं और इन्वायरमेंट को भरना पड़ता है असिस्ट इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट एम एस पीस हमने पहले देख लिया सजेशन एंड एडवाइस विल बी गिवन टू फार्मीकल्चर एंड रिलेटेड एरियाज लाइक हार्टीकल्चर सेरीकल्चर देखिए ये अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बट हार्टीकल्चर सेरीकल्चर वेटनरी सर्विस फिशरीज मार्केटिंग रिलेटेड टेक्निकल क्वेरीज थ्रू साइंटिस्ट एंड एक्सपीरियंस कॉल्स एंटर एग्जेक्टिव ये भी इसमें इंक्लूडेड है नाउ द थिंग वी वर टॉकिंग अबाउट जो वन स्टॉप सोल्यूशन है इसका ये आप एक पॉज कीजिए इसको वीडियो को और प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन आई बी मूविंग ऑन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखिए अब अगर किसी ने पॉज करके यहां पे इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ा है और आंसर गलत मार दिया है थोड़ी सी देर इज अ थिंग ऑफ वरी बट यहां तो हाईलाइट भी नहीं किया है और पूछा गया इनकरेक्ट राइट इन कंटेक्स्ट ऑफ रायथू भरोसा के अंदर आरबी के इट इज अ स्कीम अंडर केरला गवर्नमेंट स कैन परचेज और हायर फार्म इक्विपमेंट एंड इवन सेल प्रोड्यूस एट प्रलिंग एम एस बी इन द आरबीकेज आरबीके प्रोवाइड सर्विस लाइक सॉइल टेस्टिंग एंड मे रिकमेंडेशन ये वन स्टॉप सोल्यूशन का पार्ट हो गया ये हमें पता है कि नहीं है कौन सी गवर्नमेंट है दैट इज एपी और हमसे पूछा इन करेक्ट तो वन एनली इज इन करेक्ट एंड दैट इज ऑल फॉर टूडे बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड से टॉपिक है ज्यादा इसमें कुछ घुमा के क्वेश्चन नहीं आएगा थोड़ा सा मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू पे थोड़ा ज्यादा आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल राइट एंड अगर कुछ आता है इसके ऊपर प्रीलिम के अंदर तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है इट इज इट इज कवर्ड इसके बाहर कुछ और इसमें बचा नहीं है जो बताया जा सकता है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड दिस इज अभिमन्यू आई